गाइस मैं हर्ष एंड वेलकम बैक टू वीडियो प्रोफेसर नंबर वन प्लेस फॉर वीडियो कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूट्यूब चैनल दिखाने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक महीने के अंदर 1,00,000 सब्सक्राइबर के पार कर चुके हैं और डेली के इनके लाख से ऊपर ही व्यूज़ आने लग रहे हैं। यहाँ पर है रतन राजपूत नाम से ये चैनल, ये एक फीमेल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको कल रात ही सब्सक्राइब किया है। यहाँ पे 1,17,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनके और हम इनके अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं कि इनका चैनल कब बना है। तो मार्च 29, 2020 मतलब 2020 में बना है और इनकी जो ओल्डेस्ट वीडियो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 मंथ अगो ही है। और मैं बता दूं कि इनका कोई YouTube चैनल पहले से है भी नहीं कि अभी अगर आप सोचो कि इनका कोई बड़ा YouTube चैनल हो जिनसे ये अपने इस चैनल को प्रमोट कर रही हूँ। नहीं दोस्तों, बहुत ही हैरतअंगीज बात है। देखिए इनके व्यूज़ देखिए, एक्सक्लूसिवली मैं ही ये एक वीडियो बना रहा हूँ। देखो 4 घंटे में 1,00,000 के पार व्यू हो चुके हैं। एक दिन में 2 वीडियोस भी डाल रहे तो भी 1,00,000। यहाँ पे देखिए कितने 1 मिलियन। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसके पीछे कि इनका चैनल इस तेज़ी से कैसे ग्रो हो रहा है। देखिए ज़रा थंबनेल भी इतने कुछ खास नहीं है, सिर्फ फ़ोटो खींच के डाल रखी है। हिंदी में इनके वो हैं टाइटल्स और आपको यहाँ पे टैग्स भी दिखा देता हूँ इनके। मैंने ये कॉपी किया गाइज, ये टैग यू करके एक ऐप है जहाँ पे हम किसी भी वीडियो का लिंक पेस्ट करके उनके टैग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक भी टैग नहीं है। देखिए 1,00,000 व्यू, वो भी 1 महीने में इतने सारे सब्सक्राइबर ले जाना कोई आम बात नहीं होती। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह इनका सिर्फ 1 महीने के अंदर इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे व्यूज़ और अर्निंग तो दबा के कर रहे हैं। 10-10 मिनट की वीडियोस बना रही और उनके बाद भी इतना कुछ। तो जो लोग नहीं जानते, तो मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो ये एक एक्ट्रेस हैं। मतलब इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग तो नहीं है लेकिन 48K फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पर हैं। ये मैंने बहुत से पुराने नाटकों में भी देखी है ये एक्ट्रेस तो मैं इनकी शक्ल से पहचान गया था। तो मैंने थोड़ा नीचे डाउन जाके देखा, ये पहले फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करती थी, उनके बाद इन्होंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू करा छोटी छोटी। और उसके बाद जैसे ही अभी लॉकडाउन आया है, बहुत से लोगों को कुछ करने की उस अंदर से जिज्ञासा हुई तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। क्योंकि घर पे रह के बंदा करे भी क्या, इनको कहीं से आइडिया मिला होगा कि एक यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए, तो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। उसके बाद इनका चैनल इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो हुआ, क्योंकि इनकी एक फेस वैल्यू बन चुकी थी। गाइज अगर आपकी एक बार फेस वैल्यू हो ना लोगों के सामने तो लोग आपको देखना पसंद करते हैं। उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक ही कीवर्ड पे काम किया, माई लॉकडाउन स्टोरी। हर वीडियो के टाइटल में सिर्फ एक कीवर्ड पे काम किया हुआ है। आपको नहीं पता होगा यूट्यूब चैनल एक कीवर्ड को इतना ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब कि चैनल का अगर जहाँ पे भी माई लॉकडाउन स्टोरी आ गया तो ये एक कीवर्ड बन चुका है और इसको वीडियो प्रमोट करना यूट्यूब का एल्गोरिदम के ही सामने है। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या चाहता है कि आप वीडियोस जो बनाएं वो एक कीवर्ड पे हो और उसी कीवर्ड पे रैंक कराता जाएगा। तो यहाँ पे लोग नहीं भी सर्च करें तो इनका इस कीवर्ड पे वीडियो रैंक करेगा। गाइस ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे करते हैं इस तरह के ट्यूटोरियल्स लेके आता रहता हूँ।